दोस्त कभी कभी मजाक मजाक में मैं ऐसी बात बोल जाता हूँ कि वाकई परफेक्टली सच भी रहती है वो बातें, ठीक है। कहते हैं कि जो कहावत बनती है ना वो झूठी नहीं होती, कहने कहावत बनाने वाले उस प्रैक्टिकल अनुभव को कहने के बाद ही कहावत बनाते। मैंने एक दिन पहले बनाया था एक वीडियो जिसमें बात बताया था कि टेंट वाले की रजाई और घर से भगी हुई लुगाई कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकती। यही हाल हुआ, पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने बोला, एक पति की पत्नी भाग गई थी। पति जज साहब बोले हाईकोर्ट के कि भाई जो भाग गए वो तेरी कहाँ से, दूसरी तलाश ले भाई तू, ठीक है। तो दोस्तों मामला क्या था पूरी डिटेल में समझाते हैं। 2017 में एक शादी होती है, पटना के कपल थे बिहार से। उन्होंने पत्नी जिद करती पति से कि साहब मैं पढ़ाई करूँगी। लॉकडाउन में पटना कंपटीशन की तैयारी करने पति भेज दिया उसकी आगे बढ़ने का प्रोसेसिंग में। अब पत्नी जी का लॉकडाउन में कुछ और ही चक्कर चला और प्रेमी से हुआ कांटेक्ट और हो गए फरार। पति साहब हाई कोर्ट तक पहुँचे। अब हाई कोर्ट के जज साहब ने बोला, भाई जो भाग गए हो तेरी कहाँ से होगी, तू क्यों पीछे पड़ रहा, कोई दूसरी तलाश ली, ठीक है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार ये बात कब बोली है कि बीवी को पढ़ाओ। सुनिए बेटा दी, हमें प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हम एक मेरी टीम एक केस लड़ रही थी जयपुर का, एक लड़का था जिसने 5 साल तक अपनी पत्नी को पढ़ाया, टीचर की तैयारी कराया, बीएड कराया, सब कुछ कराया, टीचर बनने के एक ही साल बाद फरार। 5 साल की मेहनत भी गई उस बेचारे की, झूठे केस भी हो गए उसके ऊपर, दहेज के केस भी हो गए, जबकि उसको नौकरी भी लगाया और उसका केस भी चल रहा आज। ये सिचुएशन है इन महिलाओं की। पढ़ाने के बहाने ये जरूर, ये गलत नहीं है कि पढ़ाना चाहिए, पार्टनर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल तक एक मेहनत करके आपको बंदे ने पढ़ाया और आप उसे छोड़ के भग गए। ये बात सत्य है, 90% लड़के होते हैं जो एक बेरोजगार एक जो कहते ना हाउस वाइफ को प्रिपेयर कर सकते हैं, कहते ना कम पढ़ी लिखी लड़की को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन 95% महिलाएँ जो होती है जो लग गए पति कुछ नहीं कर रहा ना तो फुर्रू रफू दफू हो जाएगी। ये कड़वा है लेकिन सत्य है आज की डेट पे। कहीं लड़कों के साथ ये सिचुएशन आए, कहीं हमारी टीम प्रैक्टिकली केसेस भी लड़ी है कि पति खुद अपनी मेहनत करके अपनी खुद की पढ़ाई को स्टॉप करके पत्नी को पढ़ाया और पत्नी जी अच्छी सेटल होने के बाद पति से बाय बाय गुड गुड फरार। ये मामले बहुत देखे जाते हैं। यहाँ पे भी पति ने पत्नी को आगे बढ़ाने की चॉइस की, पति खुद जॉब करने वाला था, पत्नी को पढ़ाने की कोशिश भी किया, लेकिन पत्नी जी का तो कुछ अलग ही था, पढ़ाई में ध्यान अलग ही था और रफू दफू नो दो 11 हो गई, ठीक है। और गई भी ऐसे के साथ कि पति से तो कमी था, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आती है, बार बार देखे जाते हैं, हमें कसी मजाक में बताते रहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है, ऐसा ही होता है कि आफ्टर मैरिज आप पार्टनर को पढ़ा रहे हो। देखो गलत नहीं है पार्टनर को पढ़ाना, लेकिन ये बात जरूर जान लीजिए कि विचार क्या है, पढ़ के अच्छी सेटल हो जाएगी, बाद में क्या होने वाला वो आप डिसाइड खुद कर सकते हो, ठीक है ना। गलत नहीं है, लेकिन आए दिन हम केसेस देखते आ रहे हैं, आए दिन अपन केसेस देखते आते हैं कि पत्नी जॉब लगने के बाद पति की जॉब नहीं है तो 9-2-11 एक दो साल में 9-2-11 हो जाएगी, कोई मतलब है नहीं उस बेचारे पति का, मेहनत करके उसे पति पढ़ा रहा है अपनी जेब से पॉकेट, और फालतू के क्या मिलेगा पति को पता है, झूठे केस मिलेंगे उसको, फिर फ्री होने के लिए पति पे झूठे केस करेगी वह, और पैसा उधर वो बाबू सोना वाला है ना जिसके साथ फरार है उसको लूटेगी और इधर पति को भी लूट के लेके भगेगी। बेचारे को ऐसे ही 5 साल पहले लूट लिया, 2-4 साल दो और बाद में उसी को लूट के दो। ये सच्चा है, कड़वा बुरा लगता है लोगों को, लेकिन ये जब हाई कोर्ट तक ऐसे मामले जाते हैं तो सबको बुरा लगता है कि एक मैनेज से एक ट्रस्ट से एक बंदा पढ़ा रहा है, एक पार्टनर को पढ़ा रहा है, वो भी चाहता है कि मेरा पार्टनर आगे बढ़े, लेकिन जो पार्टनर ऐसे होते हैं ना जो भगने वाले ऐसी, जो फिर इन लोगों के लिए आप क्या कहोगे, आपका खुद सकते हो। अब आपका ओपिनियन क्या रहता है इन लोगों में? मेरा ओपिनियन होता है मैं क्लियर ओपनली बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ।